आज का टॉपिक है आपका मूल्यांकन से लाभ कौन कौन सकते हैं और मूल्यांकन होने के बाद उसमें कितनी अशुद्धियाँ गलतियाँ और क्या क्या समस्याएं होती पाई जाती हैं इसके बारे में आज की क्लास है। तो आज के बाद आपका मूल्यांकन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन। जब हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को उसमें तो हमें उससे क्या क्या लाभ होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि कार्यक्रम सफल हुआ या असफल हुआ इसके बारे में पता चलता है मूल्यांकन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्यक्रम की कमियां, कौन कौन सी कमियां रह गई, क्या क्या हम उसके उसमें और उसे जोड़ सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ये सब मूल्यांकन से ये भी एक फायदा होता है, प्रॉफिट होता है मूल्यांकन करने का। फिर कार्यक्रम संचालन बेहतर तरीके से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। मूल्यांकन से हमको ये पता चलता है कि कार्यक्रम के कौन कौन से लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो व्यक्ति के सामने जितने भी लोग कार्यक्रम को नियोजित कर रहे होते हैं, जैसे कि गांव वाले होते हैं, स्वयंसेवी सहायता, जितने भी लोग उससे जुड़े होते हैं कार्यक्रम से, उन्हें पता चलता है कि कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। स्पष्टता मतलब क्लियरिटी आती है। फिर नेक्स्ट है वास्तविकता पता चलती है कि उसका लेवल क्या है, ठीक है, कार्यक्रम सफल होगा अथवा नहीं होगा और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ये सब मतलब उसकी रियलिटी उसकी पता चलती है कार्यक्रम की। फिर उसकी प्रगति के बारे में पता चलता है। अगर हम कार्यक्रम के बीच में कुछ भी सुधार करते हैं या कुछ नया कुछ भी मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं तो उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है इसके बारे में Thank you.